नमस्कार भक्तों, कांवड़ यात्रा 2021 की एक और बड़ी खबर, असमंजस में सरकार और भक्त कांवड़ यात्रा कराएं या नहीं कराएं। सावन का महीना 25 जुलाई से 22 अगस्त तक चलेगा। मंदिर को लेकर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। श्रद्धालु असमंजस में हैं कि वे देवघर में बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। दरअसल बाबा धाम जाने के लिए श्रद्धालु तैयारी पहले से ही शुरू कर देते थे। जुलाई का महीना शुरू होने के बाद ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार भी भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बताते चलें, मंदिर के लिए विशेष पैकेज की भी मांग की गई है। दरअसल हाल में ही पड़ा धर्मछड़ी सभा के शिष्टमंडल के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मंदिर खोलने के संबंध में जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया। शिष्टमंडल ने लॉकडाउन में बाबा मंदिर से जुड़े पंडा समाज की स्थिति और दुकानदारों की बदहाली के बारे में भी बताया। शिष्टमंडल ने आग्रह किया कि मुख्यमंत्री प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान करें। सामान्य दिनों में भी बाबा बैद्यनाथ धाम में बड़ी संख्या में जुटते हैं श्रद्धालु। झारखंड के लोगों का मानना है एक महीने में ही हो जाती है साल भर की कमाई। दरअसल सावन मेला और बाबा बैद्यनाथ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की वजह से जितनी कमाई होती है उससे यहाँ के लोगों का साल भर का इंतजाम हो जाता है। पुजारियों का कहना है कि उनका पुश्तैनी काम पूजा पाठ ही है। एक महीने में इतनी कमाई हो जाती है कि पूरे साल आराम से घर चलता है। लेकिन पिछले साल भी कोरोना के कारण मेला नहीं लगा और इस बार भी कमोबेश वही स्थिति दिख रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर को खोलने की इजाजत दी जाए, मंदिर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, सीमित संख्या में श्रद्धालु को मंदिर में पूजा और जल अर्पण करने की अनुमति भी दी जाए। इन नियमों पर विचार करते हुए सीएम से मंदिरों को खोलने की इजाजत भी मांगी गई है। तो क्या झारखंड के सीएम इसकी इजाज़त देंगे, क्या केंद्र सरकार इसकी इजाज़त देगा या नहीं, हम आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताएंगे। जो भी इसके बारे में नोटिफिकेशन आता है तो आप कहीं मत जाइएगा, अपने इस चैनल के साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि और भी श्रद्धालु को इसके बारे में सही जानकारी हो सके। तो आज की वीडियो में आपको बस सही जानकारी देनी थी। तो आपको ये जानकारी पाकर कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं और अच्छी खबर लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड गुड बाय।